पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिषद में उस समय हंगामा हो गया जब वकीलों ने डीएम को ऑफिस में जाने से रोक दिया और उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद पुलिस और वकील आमने सामने आ गए और डीएम ऑफिस के सामने जमकर हंगामा हुआ। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिषद जंग का मैदान बना हुआ था क्योंकि वकील पिछले कई दिनों से रजिस्ट्री कार्यालय इन बदलाव होने से नाराज थे और डीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज सुबह उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब डीएम मुरादाबाद राकेश कुमार सिंह अपने ऑफिस में जाने लगे। ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे वकीलों ने शोर मचाते हुए डीएम का घेराव करते हुए पीछे की तरफ धक्का देना शुरू कर दिया, जिससे उनके साथ चल रही पुलिस हरकत में आ गई और दोनों तरफ से एक दूसरे को धक्का दिया जाने लगा। वकीलों की संख्या ज्यादा होने के कारण माहौल बिगड़ता देखा। अन्य थानों का पुलिस बल भी मौके पर बुला लिया गया, लेकिन उसके बाद भी वकील मानने को तैयार नहीं थे और पुलिस के साथ भिड़ते रहे। आधे घंटे चले इस ड्रामे के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों को ऑफिस में नहीं घुसने दिया गया। डीएम के साथ हुई धक्का मुक्की के चलते पूरा कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में बदल गया। ये हमारा धरना पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। जो ये रजिस्ट्री ऑफिस हमारे यहाँ था, प्रशासन ने रातों रात बिना बताए, बिना हमारी बार के अध्यक्ष से हमारी बार को कॉन्फिडेंस में लिए, रात के 3 बजे जो कि चोरों की तरह ही काम किया है, यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस शिफ्ट कर दिया नया अमराबाद में। यहाँ से करीबन 13 किलोमीटर दूर है ये रजिस्ट्री ऑफिस, जो कि यहाँ पे कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है। वहाँ पे लूट डकैती हो सकती है, जनता आवाम है उनके साथ, और ये हमारा यहाँ पे धरना चल रहा था डीएम कार्यालय के आगे। कल भी हम लोगों ने धरने पे बैठे थे। हम लोग हमारा यहाँ पे हमने तय कर रखा था कोई भी डीएम यहाँ का डीएम का अधिकारी, चाहे एडीएम हो डीएम हो, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा और जो अंदर हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगे। कल भी हम इसे सफल बनाने में सफल रहे, कामयाब। आज भी जिलाधिकारी पहुंचे थे जी, आज डीएम साहब यहाँ अंदर घुसने की कोशिश करी, पूरा इनके साथ पुलिस प्रशासन था, पर हमारी वकीलों की एकता ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। डीएम साहब अपने कार्यालय में आने के लिए भी मजबूर रहे। जनता के हित में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। ये अधिवक्ता समाज जनता के हित में हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा। आज भी हमारी जीत हुई है और अभी अभी पता चला है जो सांसद साहब और प्रतिनिधिमंडल जो है हमारा बीजेपी का, उससे भी डीएम साहब की वार्ता हुई है, तो शायद आज 2 बजे मीटिंग होगी हमारी, पता चलेगा हमारे रजिस्ट्री ऑफिस वापस आने का हो रही है बात।